मेरे आप सबके घर में बहुत सलाम पेश करता हूँ और स्पेशली पेरिस पेरिस की ये मेहनत होती है और कोशिश होती है कि कैसे को इकट्ठा कैसे करना है, किस मकसद के लिए इकट्ठा करना है। कलाम में लिखा है कि हंसने वालों के साथ हंसो, रोने वालों के साथ रो, और हर चीज़ का एक वक्त वो कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम किस महफिल में बैठे हैं और किस जगह पे बैठे हैं, सिर्फ इसी बात को देखते हुए खुदा के घर में संजीदगी से फरोतनी से बैठना है, ये मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर सब लोग जानते हैं इस बात को। तो अगर जो बच्चे भी हैं, बच्चों का आना बहुत ज़रूरी होता है महफिल में ताकि बच्चे सीखें, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को हम जो सिखा रहे हैं वही वो सीखेंगे। अगर हम शोर करना सिखा रहे हैं तो बच्चे यही सीखेंगे, और कहीं पे वो जब भी बैठेंगे संजीदगी नहीं होगी उनकी ज़िंदगी में। तो जब ज़िंदगी में या तबीयत में संजीदगी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ किसी भी शोभा ज़िंदगी में वो संजीदा नहीं होगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा वक्त जो है खुदावन के हम लोग सना के लिए हम लोग हाजिर हैं, कैसे पहुँचे कहाँ से आए ये खुदा के इंतज़ाम है। आपसे गुजारिश है कि ये जो वक्त खुदा ने हमें उसकी शुक्रगुजारी है कि जो बख्शा है अपने कदमों में आने का, उसको संजीदगी से और इस बात की शायद ज़रूरत है कि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो कैसे रहना है। बस ये मुझे ये बता दीजिए कि खुदा के घर में कैसे बैठते हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आराम से। आप सबकी इजाज़त से के थोड़ा सा वक्त मिला है, और यहाँ पे आके अपना फल पेश करने नहीं हाजिर हुए, जस्ट मसीह के दुखों को अपनी जिंदगी में शेयर करने के लिए आए हैं। तो मसीह ने हमारी खातिर कैसे दुख झेले, माँ मरियम ने कितना दुख कितनी अजियत झेली, अगर उस चीज़ को हम उस महफिल में लेके आए बैठे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो नज़र नहीं आ रहा कि संजीदगी में या उस गम में शरीक कैसे हो रहा है। अगर हमें बातें ही करनी है तो मेरे ख्याल से घरों पे बहुत बातें होती हैं, फोन पे होती हैं। सो रिक्वेस्ट है आपकी सबकी जल्द से thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
میں گزارش کروں گا آپ سامنے ہیں تاکہ جو ہمارے مہمان